एनालिसिस पैरालिसिस, राइट। सो एनालाइज करते करते पैरालाइज नहीं हो जाना है, राइट। हाउ टू वैलिडेट एन आइडिया दैट इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट, डू इट, इम्प्लीमेंट इट, ट्राई इट। यस, सो आप बहुत सारे वेज बताएंगे, लोग आपको बहुत सारे मेथड्स बताएंगे कि इस तरीके से अपने आइडियाज़ को वैलिडेट कर लो, पहले जाके मार्केट में सर्वे लो, कुछ क्विजेस वो करो, आई मीन इस तरह की चीज़ें, वीडियो जाओ, वीडियो पे लोगों से रिव्यू लो, एड्स चला के वीडियो को स्प्रेड करो एंड देन रिव्यू लो, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग आपको बताने वाले मिल जाएंगे। बट मैंने सीखा भी अपने मेंटोर से, मैंने यही चीज़ सीखी है एक जगह, और मैं भी एक बुक पढ़ रहा था उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली कि अपने आइडिया को वैलिडेट करने का सिंपल सा तरीका है कि उसको ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो या एग्जीक्यूट करो, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। सो बिकॉज क्या होता है ना कि आइडिया को वैलिडेट करने के चक्कर में इतना एनालाइज करते हो आपकी, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, एनालिसिस पैरालिसिस, राइट। सो एनालाइज करते करते पैरालाइज नहीं हो जाना है, राइट, क्योंकि फिर वो आइडिया एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, उसको कभी आप रियलिटी बना ही नहीं पाओगे, राइट। सो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आइडिया है, वैलिडेशन में थोड़ा सा टाइम लगाओ, उसको जाके मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में, मार्केट में डिमांड के बारे में जाके थोड़ा सा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको ट्राई करो। और बाय द वे हमारे पास तो आइडियाज़ जो आते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्ट होने वाला है, राइट। सो उसको सिंपली जाकर ट्राई करो ना भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। सो दिस इज द मैसेज आई वॉन्टेड टू कन्वे, कैसी लगी आपको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड keep in touch for the next video. See you in the next one. Bye-bye.